हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरफीचर और रीइशू के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन ये है सर कि जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 रुपीज़ का शेयर है, 300 शेयर उसने फॉरफिट किया। ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज़ ईच वॉज नॉट रिसीव। फर्स्ट कॉल का जो भाई 20 रुपीज़ था वो उसने नहीं, उस मतलब उसको नहीं मिला। दी सेकेंड एंड द फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड। ठीक है, तो हमने कॉल किया ही नहीं है लास्ट शेयर, जो लास्ट वाली कॉलिंग है। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस शेयर 200 वर रीइशूड एज 70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसके पहले हम लोग रिकॉल करते हैं हमारा जो जनरल एंट्री था। ठीक है, मतलब कि शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं सर, कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कॉल्स इन अरियर में, सॉरी कॉल्स इन अरियर में लिखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव। शेयर फॉरफीचर में अमाउंट विच रिसीव। ठीक है, तो आइए जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है क्या क्या हो। सबसे पहले कॉल्ड अप अमाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज Not yet been called। तो called up कितना हो गया सर, 100 माइनस 30 यानी 70 हमारे called up है, और हमने जो forfeit किया है वो 300 shares किया है। ठीक है, तो यहाँ जो entry होगी वो हो जाएगी 70 इंटू 300 shares यानी 21,000। ठीक है, कॉल scenario में जो amount हमें नहीं मिला है, तो अगर हम देखें कौन सा amount हमें नहीं मिला है, तो first call हमें 20 rupees का नहीं मिला है। तो कॉल scenario में हो जाएगा सर 20 into 300 shares 6,000 रुपीस। फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें मिल चुका है, तो अगर आप देखें अगर हमने 70 रुपीस कॉल किया है और 20 रुपीस नहीं मिला, तो सर 50 रुपीस यानी जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का है उसका कंपोजिशन हमें नहीं मालूम, लेकिन वो मिल चुका है। तो 50 into 300 हो जाएगा सर 15,000 रुपीस। तो ये हो गई सर मेरे फॉरफीटर की एंट्री और हमने फॉरफिट शेयर्स को कर लिया। ठीक है, अब आइए बारी आती है रीइशू करने की। रीइशू की अगर हम एंट्रीज देखें तो क्या लिखा हुआ है सर, बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में रीइशू के लिए क्या बोल रहा है सर, ये रहा क्वेश्चन कि फाइनल कॉल जो आउट ऑफ दिस शेयर्स 200 शेयर्स वर रीइशूड एज 70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। ठीक है, तो सर रीइशू के लिए बोल रहा है कि 55 पर शेयर और 200 शेयर्स हैं सर, ये हो जाएगा 11,000। क्लियर, फॉर फ्यूचर में अगर आप देखें तो 70 का शेयर हम लोग कितने में रीइशू कर रहे हैं सर, 55 में, या डिस्काउंट अमाउंट मेरा कितना हो गया 15 रुपीज। तो ये हो जाएगा सर 3,000, और जो मेरा शेयर कैपिटल है उसमें हम लोगों ने देखा था एज स्टेटेड इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 70 पेड अप यानी 70 into 200। ठीक है, यानी हो जाएगा सर 14,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखते हैं सर, हम लोगों ने फॉरफिट किया शेयर को 300 शेयर को 70 ईच, उसमें से हम लोगों को 20 मिला और 30 नहीं मिला, जिसके लिए हम लोगों ने एंट्री पास की। फिर रीइशू भी किया हम लोगों ने 200 शेयर 55 ईच, 11,000 रीइशू प्राइस था, और शेयर फॉरफिट जब हम लोगों ने किया डिस्काउंट दिया 3,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल है वो सर कितना है, 14,000 रुपीज़, क्योंकि जो प्राइस है शेयर का वो कितना है 70 रुपीज़ पेड अप है, और 200 शेयर हमने बोले 14,000 यहाँ पे आएगा। क्लियर, आइए हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालना सीखते हैं, कैसे कैपिटल रिजर्व निकाला जाए। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जब ने फॉरफिट किया तो उस टाइम शेयर फॉरफीचर के सामने कितना लिखा है 15,000, और कितने शेयर्स का है सर, ये 300 शेयर्स का है। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 300 यानी पर शेयर हमें कितना मिला है 50 रुपीज़, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है पर शेयर 15 रुपीज़, तो हमें पर शेयर बेनिफिट कितना हो गया 35। याद है, आया? ठीक है,
तो हमने पर शेयर हमें मिला 50, हमने पर शेयर डिस्काउंट दिया 15 रुपीज़, यानी हमें बेनिफिट कितना हो गया सर, 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ पर शेयर हमें बेनिफिट हुआ है। और हमने जो री इशू किया है शेयर्स, वो री इशू किया है 200, यानी हमारा जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ रहा है वो सर आ रहा है 7000 रुपीज़। क्लियर है? आइए हम लोग एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री जो होगी ये होगी इस तरीके से, शेयर फॉरफीचर डेबिट 7000 टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? आइए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का केस आ जाए तो उस केस में हम लोग फॉरफीचर कैसे करेंगे और री इशू कैसे करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 1000 शेयर्स उसने फॉरफिट किया 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 6 रुपीज पर शेयर। ठीक है, कितना प्रीमियम है तो 6 रुपीज पर शेयर। ठीक, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी जो शेयर होल्डर है उसने कितना कौन सा कॉल नहीं पेमेंट किया है, यानी फाइनल कॉल, यानी हम लोगों ने सारे कॉल की कॉलिंग कर ली थी। ठीक है, और उसने जो है फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसके लिए हम उसका शेयर जो है फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक, तो आउट ऑफ दिस शेयर्स 800 शेयर री इशूड एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 4000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का जब जनरल इंट्रो आएगा तो हम लोग वहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे। अब पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो 3 रुपीज़ का है, अलॉटमेंट है 8 रुपीज़, जिसमें 4 रुपीज़ कैपिटल और 4 रुपीज़ प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5 रुपीज़ का, जिसमें 3 रुपीज़ एज अ कैपिटल और 2 रुपीज़ एज अ प्रीमियम है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने ये देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो काफ़ी मतलब दुष्ट टाइप का होता है, उसमें अगर उसको पैसा मिल गया तो वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, वो बैलेंस शीट की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो जिसका पैसा वो नहीं मतलब जिस सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, वो हमारे डेबिट में यहाँ पे दिखता रहेगा कि भाई मेरा आप कुछ करिए, मेरा शॉर्ट आउट करिए, मेरा शॉर्ट आउट करिए, तो वो यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री में वो दिखता रहेगा, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा कि हमें पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें प्रीमियम का कौन सा अमाउंट नहीं मिला है। तो अगर हम देखें तो हमारे फाइनल कॉल में जो प्रीमियम था ये 2 रुपीज़, वो नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो शेयर होल्डर है वो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो वो 2 रुपीज़ अभी तक हमें नहीं मिला। ये जो 4 रुपीज़ जो हमें मिल चुका है प्रीमियम का, वो तो प्रीमियम अकाउंट में गया, वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 2 रुपीज़ जो प्रीमियम अमाउंट है वो नहीं मिला हुआ है, जिसको कि हम लोग लेकर के आएंगे अपने फॉरफीचर एंट्री में। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से सर ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर में क्या जाते हैं, कॉल्स इन अरियर में जाता है सर अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। वो अमाउंट जो हमें नहीं मिला है उसमें इंक्लूडिंग हो प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी तो नहीं मिला है। तो अगर आप देखें हमें एप्लीकेशन मिल चुका है और अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये 5 रुपीज़ हम लोग लेंगे जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है, 3 रुपीज़ कैपिटल और 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो ये 5 × 1000 शेयर्स, सो ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर में क्या जाना चाहिए सर, शेयर फॉरफीचर में जाएगा अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कौन सा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है उसमें हम लोग प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आइए हम लोग ज़रा चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हो गया है, इसका सम आएगा 11 रुपीज़, जिसमें कि 4 रुपीज़ प्रीमियम है, तो सर उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको हटा देना है। तो मतलब 11 - 4 अगर हम कर दें तो मेरे पास आ जाएगा पर रुपीज़ हमें कितना मिला है 7, तो ये हम लोग 7 हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर फीचर में ये 7 × 1000 शेयर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका 7000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन में एक पार्ट छोड़ा हुआ था कि हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो समझेंगे। तो ये रहा वो पॉइंट, ये बोलता ये है कि आउट ऑफ दिस 800 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे
मतलब कितने रुपए पे वो बिक रहा है वो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको इस तरीके से बेचना है, इतने प्राइस पे बेचना है कि आपको 4,000 का कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, मतलब कैपिटल प्रॉफिट आपको 4,000 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो सर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैपिटल रिजर्व आपका कितना होना चाहिए, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। कैपिटल रिजर्व होना चाहिए आपका 4,000, कितने शेयर्स पे सर? तो 800 शेयर्स पे, यानी आपको पर शेयर का 5 रुपीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो 5 रुपीज़ का बेनिफिट कैसे होगा? तो सर हमने पिछले वाले जो मेरा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा था 50 रुपीज़ हमने फॉरफिट करके लिया था पैसा, और 15 रुपीज़ डिस्काउंट दिया तो हमें 35 रुपीज़ प्रॉफिट बचा था। तो वही प्रॉफिट मेरे को क्या होना चाहिए? 5 रुपीज़ होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि मेरे को पर शेयर कितना रिसीव्ड हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ शेयर कितना रिसीव हुआ है। तो शेयर फॉरफिचर अमाउंट कौन सा जो हम लोग फॉरफिट किए हैं उस टाइम में, तो 7,000 है, और डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये 7,000 को हम लोग जो फॉरफिट किए हैं 1,000, इससे अगर डिवाइड कर दे तो मेरे को अमाउंट निकल आएगा कि हमें पर शेयर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, अ शेयर मतलब एक शेयर पे। ठीक है, तो 5 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है जिसमें से कि हमें प्रॉफिट कितना बचना चाहिए, सॉरी 7 रुपीज़ रिसीव हुआ है जिसमें से कि प्रॉफिट बचना चाहिए 5 रुपीज़। ठीक है, तो यानी हम लोग डिस्काउंट देने के लिए कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं? तो सर 2 रुपया, 2 रुपीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना यूज़ करेंगे सर? 7 माइनस 5, क्योंकि 7 हमें, ये 7 हमें मतलब रिसीव्ड है अमाउंट पहले से, जिसमें से कि हमें प्रॉफिट इतना बचाना है, तो हम लोग डिस्काउंट के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं? तो सर 2 रुपीज़ फॉर 7 रुपीज़ रिसीव्ड है, 5 रुपीज़ हमें प्रॉफिट चाहिए, और 2 रुपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। ठीक है, यानी हमारा जो शेयर होगा वो पर शेयर कितने में बिक सकता है, वही हमें 2 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, और मेरे पास जो शेयर है वो फुल्ली पेड करके बेच रहा है, यानी 10 का पूरा शेयर हम लोग बेचेंगे जिसमें से हम लोग डिस्काउंट देंगे 2 रुपीज़, और जो मेरा प्राइस होगा री इशू प्राइस होगा वो क्या होगा? 8 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, आइए हम लोग री इशू करते हैं 8 रुपीज़ पर शेयर, और हम लोग यहाँ जो है 800 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो 8 × 800 तो ये हो जाएगा सर 6,400। ठीक है, हम लोगों ने देखा है 2 रुपीज़ पर शेयर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, फॉर फ्यूचर में से ही यूज़ होगा वो, ये हो गया सर 1,600, ये हो गया 1,600। अब हम लोग शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड शेयर है सर, ठीक है, 10 × 800 ये हो जाएंगे सर आपके 8,000 रुपीज़। सर यहाँ पे तो आपको कैलकुलेट करके बोल दिया है कि इन सच अ वे 4,000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो हमें यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे वीडियोस को आइए जनरल एंट्रीज देखते हैं हम लोग। जनरल एंट्री में सर क्या क्या अमाउंट जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो हम लोगों ने नोट्स बनाए थे क्या लिखा था उस पर, कि शेयर कैपिटल में क्या जाएगा प्रीमियम वाले में केस में। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये चारों तीनों कॉल्स को कॉल कर लिया है। ठीक है, तो यानी 3 रुपीज़ प्लस 8 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, यानी हो गया 16 रुपीज़। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इस 16 में से 6 रुपीज़ मेरा क्या है? प्रीमियम है, तो इसको हमें एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 10 रुपीज़ पर शेयर। और हाँ, ये जो सॉरी जो हम लोग यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,000 शेयर्स, तो 10 × 1,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा सर 10,000 रुपीज़। ठीक है, अगला बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा कि प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, वही प्रीमियम अमाउंट जो नॉट मतलब मिला नहीं है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए।